सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनल गाइड डिस्कस करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको ट्यूजडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, जो कि आप जानते हैं कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। थोड़ा सा इस समय का जो मोड़ माहौल मार्केट का चल रहा है ना, वो बिल्कुल अलग ही अंदाज में चल रहा है, और मार्केट जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यू ट्रेडर को लूटने के चक्कर में पड़ी हुई है। ये जो चुनावी माहौल है, ये हमारे से क्या मतलब है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं जो इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हालांकि हम इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमें इंट्राडे में ही सारा पैसा यहाँ पर मिलता है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पता नहीं हमारे दिमाग में ऐसा क्या चीज़ भर दी गई है कि हम इंट्राडे के अलावा, ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा, हम यहाँ पर कुछ करते ही नहीं हैं। जबकि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किस में होती है? शेयर में। आप अगर अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे भी अगर 10-10, 5-5, 6-6, 2-2 शेयर भी अगर आप उसको ऐड करते जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा और आप फाइनली एक ऐसे स्टेज पर आ जाएंगे जब आपको अच्छा प्रॉफिट, बेहतरीन प्रॉफिट होगा आपके इस पोर्टफोलियो में। देखिए, शेयर में आपको तुरंत के तुरंत प्रॉफिट नहीं मिलता। आप समझिए, जो आपका शेयर होता है, जो भी आप शेयर बाई कर लेते हैं, उसमें तुरंत के तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपका पैसा वहाँ पर सेफ रहता है। ठीक है, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप एक ही शेयर बाई कर लो तो उसमें पैसा आपका सेफ रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक शेयर, कोई भी कंपनी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक ऊपर जा सकती है, तो किसी एक शेयर में तो कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको अपने पैसे को जो है तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा इस शेयर में, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, तो उससे आपको क्या होगा कि आपके पैसे को आँच नहीं आएगी। तो ऐसे माहौल में थोड़ा आप अपने कैपिटल को प्लीज़ सेफ रखिए और कॉल पुट करिए। मेरा देखिए उसमें कोई वो नहीं है, बट सब साथ साथ आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा इसमें, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ा हमारा वही काम होना चाहिए कि हमारा पैसा किस तरह से यहाँ पर बचे। ठीक है, चलिए तो डिस्कस यहाँ पर करेंगे हम सबसे पहले बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी क्या, चार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, सबसे नीचे वाली लाइन एक ब्लैक लाइन है, वो हमारी कई दिनों पहले की बनाई हुई है। यहाँ इसका कई बार पिछला प्रीवियस क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए कि यहाँ पीछे पीछे जितना भी जाएंगे, यहाँ पर पीछे आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन आप भी बना लीजिएगा, यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का ये हर जगह का सपोर्ट है। अब लेटेस्ट टाइम में देखिए, जो ऊपर हमने आपको रजिस्टेंस बना करके दिया था, ये वाला रजिस्टेंस आपका दिया था, ये वाला, और ये आपका सपोर्ट था। ठीक है, हमने क्या बताया था कि मार्केट क्या कर सकती है, इस जगह से अगर नीचे आई तो आपको ये वाला एरिया दिखा सकती है, और यहाँ से फिर वापस हो सकता है वापस चले जाए, और अगर इसके ऊपर टिक गई मार्केट, इसके ऊपर, तो हो सकता है आपको बड़ा ब्रेकआउट करने के लिए भी मार्केट यहाँ पर तैयारी कर रही हो। क्लियर है, समझिए इस चीज़ को। अगर इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट टिक गई, तो हो सकता है बड़ा ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रही हो, क्योंकि जब भी कभी इस तरह से मार्केट काम करती है, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ से देखिए बाइंग आई थी, ठीक है, इस जगह से आपकी बैंक निफ्टी में बाइंग आई थी, बैंक निफ्टी में बाइंग आने के बाद यहाँ पर अब ये मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही, इसका मतलब मार्केट क्या कर रही है, अपने जो बाइंग प्रेशर को है वो वहाँ पर मेंटेन कर रही है, और यहाँ से बायर अभी डर नहीं रहे। ठीक है, जो आपके बायर हैं वो डर नहीं रहे हैं और यहाँ से मार्केट से भाग भी नहीं रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब, अभी स्ट्रांग यहाँ पर बाइंग है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो कंसोलिडेशन फेस है आपका, यहाँ पर इसी तरह से जो कंसोलिडेट किया जाता है मार्केट को, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े FII DII इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इस जगह में अपनी पोजीशन को फिलअप करते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस जगह जब यहाँ पर पोजीशन को फिलअप कर लेंगे, तो फिर यहाँ से मार्केट को जिस भी डायरेक्शन उनको ले जाना होगा, वो उधर ही मार्केट को ले जाएंगे। जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर गई थी, इसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस में गई, कंसोलिडेशन फेस के बाद इस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, फिर मार्केट यहाँ से गिरती है। ठीक है, गिरती है, इसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है यहाँ तक। तो इसी तरह से इस बार भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ से कंसोलिडेशन फेस में गई, हो सकता है यहाँ से अगर गिरेगी मार्केट तो आपकी वापस यहाँ तक आएगी, और अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ के ऊपर के रेंज हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर वाली एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं, हॉरिजॉन्टल उठाएं लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये रेजिस्टेंस क्या है आपका, देखिए 48,250 का। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट करेगी तो आपका ये नेक्स्ट लेवल 48,250 तक का होगा। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं मिला होगा। ठीक है, जब कोई ज़्यादा यहाँ बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपका जो विक्स है, विक्स ऑलरेडी आपका 20 है।
ठीक है 2021 चल रहा है, तो जब यहाँ से विक्स क्या करेगा, जब भी डाउन होता है तो मार्केट क्या करती है, अगर आपकी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगी तो आपकी जो ऑप्शन के प्राइस है ना वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऑप्शन के प्राइस ऊपर बढ़े हुए हैं। तो जब आपकी विक्स डाउन होगा तो मार्केट अगर इस तरह से कुछ ऊपर नीचे जाएगी ना, तो आपके ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ से क्या घटेंगे, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में यही कंडीशन सबसे बड़ा बुरा होता है और यही कंडीशन में सबसे बड़ा लॉस होता है एक न्यू ट्रेडर का। तो आपको ऐसे केस में बचना चाहिए, प्लीज़ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ही ट्रेड करें तब ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो ऐसे यहाँ पर अगर आप फंस जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक्सपायरी के दिन, जिस भी एक्सपायरी के दिन अगर आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और उस इंडेक्स की उस दिन एक्सपायरी है और अगर इस कंडीशन में मार्केट हो जाती तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान एक न्यू ट्रेडर को होता है। उसका रीज़न मैं बार बार आपको बताता हूँ कि उसको जो ऑप्शन की जो प्रीमियम होते हैं ना, उसको यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम बहुत यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम उसको बहुत छोटे दिखते हैं, तो जब उसको ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पर बहुत छोटे छोटे दिखते हैं तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड करता है, और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करता है तो चूंकि उसको मार्केट का डायरेक्शन तो पता नहीं है, और मार्केट का डायरेक्शन अगर पता होगा भी तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, चूंकि होगा क्या होता क्या कि मार्केट इस तरह से करते करते पूरा ऑप्शन का जो प्राइस है उसको गला देता है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर उसको क्या होता है, यहाँ पर नुकसान हो जाता है, और थोड़ा मोड़ा नुकसान नहीं होता, चूँकि उसको ये लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, मार्केट अब ऊपर जाएगी, और अंततः क्या होता है, उसको यहाँ पर नुकसान ही होता है, क्योंकि ऑप्शन का बिहेव कहता है, आपका ऑप्शन का बिहेवियर ये बोलता है कि मैं उस दिन आपका जीरो होने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक कोशिश कर सकते हैं, या तो आप एक लॉट से इस समय ट्रेड करिए, एक लॉट से ज़्यादा आप यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड मत करिए, और अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो एक्सपायरी के दिन उस इंडेक्स में ट्रेड मत करिए, आप दूसरे किसी इंडेक्स में शिफ्ट हो जाइए, कम से कम आप बच जाएंगे, आपके पास टाइम रहेगा कि हाँ मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँ। लेकिन आप अगर उसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं जो कि आपका एक्सपायरी का है तो आप वहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन बात पता है क्यों होता है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं ना कि भाई ऑप्शन क्यों इतना गलता है, ऑप्शन क्यों इस तरह से बनाया गया है कि हमको नुकसान देता है। अगर हम वो समझ पाते कि यहाँ पर अगर हमारा मान लीजिए कि हमने 20 रुपये का कोई आपका ऑप्शन बाय किया, अगर हम ये समझ पाते कि ठीक है यार मुझे यहाँ पर 15 रुपये का ही यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए, 15 रुपये का हमें यहाँ पर नुकसान लेना चाहिए, तब हम जरूर यहाँ पर बच जाते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका 15 रुपये 20 रुपये मूवमेंट नहीं करता। लेकिन हम क्या है, यहाँ हमें क्या सिखाया जाता है कि नहीं नहीं हमको यहाँ पर बैठना है कम से कम 40-40 पॉइंट के लिए, 50-50 पॉइंट के लिए बैठना है, और जब हम बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इतने के लिए बैठते हैं तो हम यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका ऑप्शन में, मतलब काम आपको इस तरह से करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छी जगह आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, अगर आप प्रीवियस भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंसेस आपके नज़र आएंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट गई थी, फिर गिरावट आई, फिर यहाँ से मार्केट गैप डाउन होते फिर गिरावट आई, फिर मार्केट यहाँ से गिरावट दिया, फिर मार्केट यहाँ से उतर गई, मतलब इस तरह से मार्केट आपकी यहाँ पर कई बार आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आई थी। इसलिए ये जो आपका रेजिस्टेंस है एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, जो कि आपका 48,250 का है, ठीक। अब कल मान लीजिए कि आपका ट्यूजडे के दिन अगर आपकी इस तरह से मार्केट यहाँ पर रेंज में ओपन हो, ये आपकी रेंज है, रेंज में ओपन होने के बाद अगर आपका इसका ब्रेकआउट करे, मतलब 48,250 का आपका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 48,420 का। अब बोलेंगे ये कैसे सर, आप यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो यहाँ से गिरावट आई थी, गिरावट होने के बाद मार्केट यहाँ तक ऊपर गई थी, तो ये जो आपका एरिया पड़ा हुआ है यहाँ तक के टारगेट आपके यहाँ पर पहले टारगेट यहाँ तक के हैं 48,400, ठीक है। प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा 48,400 तक आपके पहले टारगेट हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट टारगेट आपके जो ऊपर आ रहे हैं, ये जो हमारी ग्रीन लाइन यहाँ पर ड्रा की गई है, ये वाली मैं बात करूँ, ये मतलब 48,673 आपके यहाँ पर दूसरे लेवल ऊपर की तरफ, क्लियर है, ओके। अब यहीं पर अगर आपकी यहाँ पर मार्केट रेंज में खुले, रेंज में खुल करके अगर आपके इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है जो कि यहाँ पर आपका देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए ये आपके क्या है प्रीवियस अब सपोर्ट बने हुए, मतलब अब मार्केट में ये सपोर्ट बन चुके हैं, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर कामकाज कर रही है। तो इस सपोर्ट के नीचे जाना, मतलब आपका ये 48,000 के नीचे जाने का मतलब है आपकी मार्केट वापस बेरिश हो जाएगी, ठीक है। 48,000 के नीचे जाने का मतलब आपकी बैंक निफ्टी वापस बेरिश हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर टारगेट पहला आ रहा है जो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 47,800 का, ये वाला एरिया आपका पहला टारगेट आ रहा है, एंड सेकंड टारगेट आपको वापस जो आपको मैंने बता रखा है ये एरिया आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन का है। प्लीज़ नोट करिएगा, वापस मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन का आपका टारगेट मिलना चाहिए,
जिस दिन भी आपका मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा उस दिन, ठीक है। ये आपके नीचे हो गए, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलेगी तो आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल बात है, अगर आपकी मार्केट गैप अप खुलती है, चूंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया आपका 48,200 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग दिया है, बहुत अच्छी जगह है। अगर मार्केट आपकी यहाँ पर 48,200 के 2050 के ऊपर खुलती है, ठीक है, 2050 के ऊपर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको टारगेट यहाँ पर जो है तो 48,400 के आपको टारगेट यहाँ पर तुरंत के तुरंत, मतलब लगभग 150 पॉइंट के टारगेट आपको यहाँ पर तुरंत मिल सकते हैं, ठीक है, गैप अप के केस में। इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आपको रखनी है किस में, 48,250 में। अगर उसके ऊपर, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो आपको ये टारगेट आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके 48,400 के ऊपर कंसोलिडेशन करके वापस मार्केट आपके नीचे आती है तो आपको यहाँ पर वापस ये जगह जो आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही ना, इसी जगह अगर नीचे आती है यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए मार्केट क्या यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा रही तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। और अगर ये सपोर्ट लेते हुए नज़र नहीं आई मार्केट और इसके नीचे आ जाती है जो आपकी ट्रेंड लाइन, वापस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये ट्रेंड लाइन इसको वापस आप यहाँ पर बड़ा कर लीजिएगा, ये वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये आई, इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस जैसे यहाँ पर मान लो खुल के और वापस यहाँ पर आ करके यहाँ सपोर्ट लेती है तब हम यहाँ पर कॉल की ट्राई कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया और नीचे गई तो फिर फर्दर ये गिरावट करेगी मार्केट और आपको वापस टारगेट मैंने आपको बता दिया 47,800 का पहला एंड 40 यहाँ नीचे का टारगेट आपको यहाँ पर बता दिया आपका ट्रेंड लाइन, क्लियर है, आपको नीचे का ट्रेंड लाइन का टारगेट आना चाहिए। गैप डाउन के केस में देखिए यहाँ पर दोस्त, गैप डाउन के केस में यही होगा कि अगर इस एरिया में वापस मार्केट आपकी आ गई गैप डाउन तो फिर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मार्केट कर क्या रही, क्या वापस गैप डाउन जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर आ रही है या गैप डाउन खुलकर के कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो गैप डाउन खुलने का चांस में आपको यहाँ पर दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुल करके अगर इस एरिया में वापस चली जाती है नो ट्रेड आपको करना है, नो ट्रेड इस एरिया में, नो ट्रेड गैप डाउन खुलने के केस में बोल रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट इसके ऊपर 48,250 के ऊपर जाती है हम डेफिनेटली यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। तब तक कार्रवाई हम वापस आपको बता रहे हैं, तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक इस एरिया में मार्केट हमारी रहेगी, ना हम कार्रवाई करेंगे ना यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। जब इसके ऊपर चली जाएगी तो हम यहाँ पर दोबारा कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुल करके दोस्त वापस बता रहा हूँ, अगर मार्केट वापस नीचे का डायरेक्शन दिया तो हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे और हम 150 पॉइंट का टारगेट अपना 150 पॉइंट का टारगेट ही बुक करेंगे। प्लीज़ आप नोट करिए, यहाँ पर आप बड़े टारगेट के लिए मत बैठा रहा करिए, यहाँ पर कोशिश करिए कि मार्केट अगर 150 पॉइंट अप डाउन करे तो आप यहाँ पर अपने टारगेट को बुक करते रहिए, चाहे आपको 40 पॉइंट मिले, चाहे आपको यहाँ पर 20 पॉइंट मिले, जो मिले यहाँ पर आपको बहुत देर के लिए मत नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट हर जगह हर एक सेकंड हर एक मिनट अपने मूड माहौल को यहाँ पर चेंज कर रही है। तो आपको यहाँ पर बैठे नहीं रहना है, आपको हमेशा आपको अपने प्रॉफिट बुक करने से मतलब होना चाहिए इस मार्केट के अंदर। प्लीज़ समझिए, यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट यहाँ पर 10 से 20 पॉइंट आपको तुरंत मिलता है, बहुत इजी मिलता है, मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर न्यू ट्रेडर, इस 20 पॉइंट की कीमत को नहीं समझते हैं और यही 20 पॉइंट की जो कीमत आप नहीं समझ रहे हैं वो आपको बहुत बड़ा नुकसान करके देता है। चूँकि जब नुकसान होता है ना हमें, तब हम बैठने की आदत होती है और हमें प्रॉफिट में क्या है कि हमें बैठने की आदत नहीं होती, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं 20 पॉइंट तो अभी मिला ही है, हमको क्या है अभी और मिलेगा, तो 20 पॉइंट में हम एग्जिट नहीं करते और मार्केट हमको एग्जैक्ट 20 पॉइंट देकर के फिर नीचे आती है। ये इस समय का मूड माहौल है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये लेवल्स आप बना करके रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ मार्केट आपकी बहुत एकदम अच्छी जगह काम कर रही है, यहाँ से अगर ऊपर गई तो आपके लेवल्स भी यहाँ पर खुले हुए, देख लीजिए आपके ऊपर के लेवल पूरे बने हुए हैं 49,003 तक के, और नीचे के लेवल मैंने आपको ये बता दिया कि आपको नीचे के लेवल यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ही लेवल है, ये ट्रेंड लाइन, इससे पहले यहाँ पर कहीं भी रुकावट नहीं है, छोटी सी रुकावट आपकी सिर्फ ये 47,800 में है। बस इन लेवल का ध्यान रखते हुए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए और इसी तरह से आप अपने प्लान को यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद हम निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे निफ्टी में क्या ट्रेड हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन है, ठीक है, ये देखिए। अब ये हाँ, आज एक बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, बोला सर ये क्या है, ये जो कैंडल बनी है, प्लीज़ इस कैंडल को इग्नोर करिए, ये जो आप यहाँ पर ये वाली ये बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है ना, इसको इग्नोर करिए, ये कोई यहाँ पर बड़ी कैंडल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें दिखा रहा है बड़ी कैंडल, आपको कोटेक में दिखा रहा है बड़ी कैंडल, आप वहीं पर चले जाएंगे, आप स्टॉक में आपको कोई बड़ी कैंडल नहीं दिखा रहा है, आपको यहीं पर मार्केट दिखाया है यहाँ पर ओपन होते हुए, ये इतनी बड़ी कहीं कैंडल नहीं दिखाया। तो प्लीज़ आप यहाँ पर हर तरह के चार्ट आपको यहाँ पर देखना पड़ता है, सिर्फ आप इसमें देख करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। सेम
तो यहाँ पर निफ्टी में देखो आपको ट्रेड किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, सेम वही तरह मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर जो आपकी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी दोनों ट्रेंड लाइन काम करेगी, ध्यान में रखिएगा। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरावट करेगी आपकी, ये वाली ट्रेंड लाइन आपकी आएगी नीचे, ठीक है, या वापस हो सकता है इसके बाद यहाँ से इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये जो मार्केट आपका डायरेक्शन इस तरह से चल रहा है, ये हो सकता है आपको वापस यहाँ पर दोहराता हुआ नज़र आए, ठीक है। अब अगर नहीं दोहराता तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी क्लोजिंग दिया है मार्केट ने इसके ऊपर, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। आज भी सैटरडे के दिन भी थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग था, तब भी आप किसी के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। उससे पहले दिन भी यहीं पर मार्केट पूरी रेंज में चली गई, तब भी मार्केट यहाँ पर पूरा आपके यहाँ पर देने की कोशिश किया। मेरा जो यहाँ पर टारगेट था वो 22,530 का था, आपको टारगेट तो मिला, लेकिन यहाँ पर कोई आपकी क्या हुआ, यहाँ पर कोई आपके प्रीमियम में कोई यहाँ पर मोमेंट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर आपका शायद 22,500 की कॉल के बारे में कुछ आपको बताया था, 115 रुपये के ऊपर बाई करने के लिए। आपने देखा होगा उसने मोमेंट दिया, मार्केट मोमेंट दिया, लेकिन उसका ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 रुपये। तो अगर आप 15 से 20 पॉइंट आप वहाँ पर कैप्चर किए होंगे तब तो बेस्ट है, नहीं किए तो आपको मार्केट वहीं पर पूरा दिन नचाती रहेगी इस तरह से, और आपको हमको यहाँ पर क्या बना दिया इसने, चक्री बना दिया मार्केट ने। तो इस तरह से हमको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट मिलते हैं, आपको यहाँ पर बुक करते रहना चाहिए, क्लियर है। चलो तो ये देखो, अब यहाँ पर ट्रेड करना, ट्रेड हमारा प्लान क्या है, ट्रेड हमारा प्लान ये है कि आपका 22,536 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं। मार्केट अगर आपकी यहाँ पर रेंज में खुलती है, ये रेंज है आपका, और अगर ये 22,530 आपके यहाँ 22,536 के ऊपर जब चलेगी, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला एरिया हमारा जो प्रीवियस एरिया है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस एरिया है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका यहाँ पर हाई, जो इसने लेटेस्ट टाइम में हाई लगाया था, वो दिन दूर नहीं कि अब आपका मार्केट यहाँ पर पहुँच जाए, बिल्कुल नहीं है वो दिन दूर। लेकिन मार्केट यहाँ जाने से पहले आपको एक आध दो बार नखड़ा कर करके नीचे आ सकती है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कॉल बाई हम कब करेंगे, अगर ये आपकी 22,536 के ऊपर जाती है हम बिल्कुल कॉल बाई करेंगे, लेकिन अगर ये आपकी मार्केट 22,440 के नीचे आई तो हम यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी करेंगे, ठीक है। आपकी ये रेंज थोड़ा निफ्टी में बड़ी आ रही है, ध्यान में रखिएगा, ये वाली आपकी रेंज यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर ये रेंज आप देखते हैं तो ये आपकी कंसोलिडेशन फेस वाली रेंज थी, यहाँ पर आप प्रीवियस भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 22,441, ठीक है, 22,241 के नीचे आती है तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और जो आपके यहाँ पर लेवल्स हैं, वो पहले लेवल्स आपके यहाँ पर पूरे के पूरे बने हुए हैं। प्लीज़ आप ये लाइन से घबराइए मत, ये लाइन्स आप बनाइए, जब तक आप ये लाइन्स नहीं बनाएंगे तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो इसके नीचे के जो लेवल्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा ये 22,408 का, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 22,337 का, नेक्स्ट लेवल आपका 22,286 का। प्लीज़ नोट करिए आप अपने कॉपी में, यहाँ पर पूरे लेवल्स आप बनाइए, यहाँ पर ये जो लेवल्स आपके बनाए हुए हैं ये पूरे लेवल्स आप यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। मार्केट अगर आपको वापस बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे आती है तो आपको ये लेवल्स पूरे के पूरे देखने को नीचे आपको मिलेंगे, ठीक है, पुट के केस में। ऊपर के केस में अगर आपका ये 22,536 के ऊपर जाएगी, आपको यहाँ पर 22,600 वाला आपका एरिया यहाँ पर खुला हुआ है पहला, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22,628, अगर इसके ऊपर भी मार्केट गई तो फिर आपके लाइफ टाइम हाई को टच करने में मार्केट में देरी नहीं लगेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये कब आएगा आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट, जब ये आपकी 22,600 के ऊपर चली जाएगी तब। प्लीज़ इस तरह से आपको ही कुछ ट्रेड करना चाहिए। गैप अप गैप डाउन के केस में भी वही हमारे रेंज होंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है और इस एरिया में चली जाती है, तो अगर आपका ऊपर गई मार्केट 22,628 के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल में ही जाएंगे, और अगर गैप अप खुल करके मार्केट फर्दर नीचे आती है, हम यहाँ पर कोई पुट बाई नहीं करेंगे। कब तक पुट बाई नहीं करेंगे, जब तक ये 22,500 के नीचे नहीं आती तब। प्लीज़ समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट मान लीजिए गैप अप यहाँ पर ओपन होती है, मार्केट गैप ओपन होने के बाद मान लीजिए नीचे आती, तो नीचे आने के केस में इस एरिया में हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी टाइम यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था, किसी भी टाइम यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा सकती है। तो हम पुट कोई भी बाई करेंगे तो 22,502 के नीचे, 22,500 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट बाई नहीं करेंगे।
मार्केट गैप खुले, गैप अप खुल करके नीचे आए, इस एरिया में हमको ऐसा दिखे वापिस आपका जैसे गैप अप खुलती है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पर आपकी निफ्टी गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके नीचे आए, इस एरिया का सपोर्ट ले ले। आपका सपोर्ट लेने के बाद अगर आपका 22,536 के वापिस ऊपर ये जाने लगे, हम यहाँ पर दोबारा सी बाई करेंगे और दोबारा हम यहाँ पर 60 पॉइंट कैप्चर करेंगे ऊपर की तरफ। क्लियर है? दोबारा हम सी बाई करके 60 पॉइंट वापस कैप्चर करेंगे, ठीक है? और 60 पॉइंट के बाद हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद फर्दर नेक्स्ट हम यहाँ पर सी इसके ऊपर बाई करेंगे, ठीक। नीचे गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलती है बहुत अच्छी बात है, हम तो चाह ही रहे हैं कि गैप डाउन खुल जाए मार्केट, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है आपका ये 22,500 में दिया है, ठीक है? और गैप डाउन खुलने का मतलब लगभग 50 से 60 पॉइंट इसके नीचे आ जाना मार्केट, बहुत अच्छा, हमको यहाँ पर बहुत अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे जाएगी मार्केट, आपको यहाँ पर अच्छी एक मूवमेंट मिलेगी जो कि लगभग लगभग 150 पॉइंट से लेकर के 200 की मूवमेंट आपको, 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको नीचे मार्केट देने वाली है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस में जाती है मार्केट, तो आपको किसी भी तरफ एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। बस बात यह है कि इस जगह में हम रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर निचोड़ दिया जाता है, चक्री बना करके यहाँ पर हमारा पैसा ख़त्म कर दिया जाता है और फिर यहाँ से मार्केट को एक तरफा उठा करके पटका जाता है। तो जिधर भी मार्केट के यहाँ से मूवमेंट मिलेगी आपको लगभग लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट आपकी निफ्टी में यहाँ पर तैयार है। नीचे आएगी, बता दिया आपको, यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ तक आनी चाहिए, ऊपर की तरफ मूवमेंट आपका टॉप, बिल्कुल टॉप यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो प्लीज़ ये सारे रेंज आप बना सकते हैं यहाँ पर निफ्टी के, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रेंज पहले बना रखा हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना चाहिए, इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने से पहले मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आप अपने क्वांटिटी में इस समय ध्यान रखिए। आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके पॉइंट कम होने चाहिए। पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप देखिए बड़ी क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड करते हैं ना, बड़ी क्वांटिटी में अगर आप बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले दो क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, तो दो क्वांटिटी में आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना रखते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम आप 1,000 रुपये का, ठीक है? ओके। तो लेकिन अगर आप यहीं पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 10 लॉट में आपने ट्रेड किया, 10 लॉट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर फिर 10 से 20 पॉइंट के लिए नहीं बैठना है। नहीं, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपको ये काम होना चाहिए कि अगर आपको 5 से 6 पॉइंट भी मिल जाए ना एक बार में, आपको तुरंत एग्जिट करना चाहिए यहाँ पर। और सेम उसी केस में आपके अपोजिट मार्केट चली जाए, अगर आपके अपोजिट मार्केट 5 से 6 पॉइंट जाती है, बिल्कुल एग्जिट करिए, बैठे मत रहिए। क्योंकि बैठना ही सबसे बड़ा गुनाह है इस मार्केट में, आप ये समझ सकते हैं, इस मार्केट में बैठना सबसे बड़ा गुनाह है। हमको अपोजिट ट्रेड ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे देखते देखते मार्केट माले जहाँ से नीचे आ रही थी, हम यहाँ पर कॉल में बैठे थे, बट यहाँ पर मार्केट का सेटअप मिला हमको, क्योंकि यहाँ पर कॉल का सेटअप मिल रहा है और हम पहले से ऑलरेडी यहाँ पर लॉस में हो चुके हैं, तो हमारे हाथ कांप रहे हैं कि नहीं नहीं अब हमको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं मार्केट में हमको ट्रेड नहीं, और हमारा इतना बड़ा मूवमेंट जो है हमारा छूट जाता है। और छूटता सिर्फ इसीलिए है कि हम यहाँ पर बहुत बड़े पॉइंट के लिए बैठे रहते हैं। मत करिए ऐसा, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करते रहिए, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करते रहिए, 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार स्कैल्पिंग करिए, आपको प्रॉफिट मिलता है। स्कैल्पर के साथ सबसे बड़ा दुखद एक घटना होती है क्या, स्कैल्पर हमेशा अच्छा प्रॉफिट बनाता है, लेकिन वो क्या करता है बीक में, उसका बीक में क्या होता है, एक दिन एक ऐसा आता है जो उसका बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान सिर्फ इस वजह से होता है कि हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी में ध्यान नहीं दिए। हम यहाँ पर जो पहले यहाँ पर 10 क्वांटिटी में हम ट्रेड कर रहे थे ना 10 लॉट में, उस हमने क्या किया है, उस लॉट को हमने बढ़ा करके तुरंत 20 लॉट कर दिया। अब 20 लॉट में हम जो लॉस यहाँ पर ले रहे हैं बड़ा ले रहे हैं, प्रॉफिट हम यहाँ पर छोटा ले रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर पहले से अपने आपको मन को अपने कंट्रोल करके यहाँ पर रखना पड़ेगा कि नहीं, अगर हम यहाँ पर 5 पॉइंट लॉस ले रहे हैं तो हमारा 5 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से करेंगे तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज आप इस मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं हो सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिए। क्योंकि हर दिन मार्केट का बिहेव चेंज होता है, हर दिन मार्केट की प्राइस चेंज होती है, हर दिन मार्केट का विक्स चेंज होता है, हर मिनट ऑप्शन चैन का डाटा चेंज होता है, सब कुछ एक एक मिनट का यहाँ पर चेंजमेंट होता है। तो आप हम कौन होते हैं यहाँ पर अपने आप को एक एक मिनट में चेंज नहीं करने वाले, ठीक है? हर एक सेकंड आपको डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लेवल हमने बनाया है, अगर मार्केट उस लेवल के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड नहीं करते तो हमको डिसीजन अपने यहाँ पर बदलने पड़ते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि नहीं नहीं बोला सर ने तो ये लेवल बताया था, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, मार्केट है, मार्केट में इस तरह से आपको काम करना पड़ता है कि अगर हमारे लेवल नहीं आए तो हमको फिर तुरंत के तुरंत अपने डिसीजन को चेंज करके दूसरे डिसीजन मतलब लेना पड़ता है। तो आपको भी हर तरह से तैयार रहना है। अगर मार्केट इस तरह से मिलेगी तो हम पुट बाई करेंगे, अगर मार्केट इस तरह से मिलेगी तो हम कॉल बाई करेंगे। आप देखते होंगे कई बार मैं आपको यहाँ पर जो चार्ट में बता करके रखता हूँ, अगर मार्केट उस तरह से काम नहीं कर रही होती तो मैं अपने तुरंत अपने सिस्टम चेंज करके और मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता हूँ कि नहीं मार्केट यहाँ से इस तरह से कुछ कामकाज कर सकती है। स्टॉप लॉस लेना मार्केट का नॉर्मल चीज़ है, स्टॉप लॉस से हमको डरना नहीं है, बट उतना ही हमको स्टॉप लॉस यहाँ पर देना है जितना हम उसको रिकवर कर सके उस दिन या नेक्स्ट दिन। अगर हम उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर दे देंगे तो हम मार्केट से हार जाएंगे और हमारा पैसा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ कुछ यहाँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिएगा।